वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। एक्चुअली मैंने सोचा कि कैन और मे का मैं वीडियो लेके आई जाऊंगा, मैं माइट का भी यूज करूं, क्योंकि माइट में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइट का यूज जो करते हैं, जैसे मैं आपको अलग अलग टाइप बता रहा हूँ, उसके आपके तीन से चार तरीके से माइट का यूज हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपका है माइट का यूज जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए करा जाता है, जिसमें मोर पोलाइटनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस हो। लेकिन इसके लिए जो आप जब भी यूज करता है, जब आपका कोई सामने बोलने वाला कोई हेजिटेशन हो, उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमी हो, जो या फिर उसको रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट न होने की स्थिति में हमें माइट का यूज करना है। मतलब माइट यूज हमें कब करना है? मोर पोलाइट, बहुत ज्यादा पोलाइट होना है, जहां पे आपको अलग ही पता चल जाता है कि यार सामने वाला थोड़ा हेजिटेट है, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो है, बी कम है, और इसमें उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट शायद ना हो, उसको कंफ्यूजन है, इसमें आप माइट यूज कर सकते हैं। वैसे माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, क्या मैं आपसे आपका गोल्डन नेकलेस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, तो इसमें मोर पोलाइटनेस आ रही है, साथ में हेजिटेशन भी, कहीं ये देंगे कि नहीं देंगे। माइट आई टॉक टू द पीएम, क्या मुझे अपने क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूँ? मतलब हेजिटेट हो गए, भाई पीएम से कौन ऐसे डायरेक्टली बात कर सकता है। तो माइट आई टॉक टू द पीएम, या माइट आई बोरो योर कार, या सामने किसी फ्रेंड से आप कहीं जाना, आप कह रहे हैं माइट आई बोरो योर कार, मतलब जिसमें आपको मना भी कर सकता है सामने वाला, हेजिटेट, यू आर हेजिटेट हियर, कि माइट आई बोरो योर कार। तो इससे इस तरीके से यूज होता है, ये फर्स्ट टाइप होगा। सेकंड में आप ऐसे माइट जो आपका होता है वो मे का पास्ट फॉर्म भी होता है। जी हाँ, जहां मे का यूज करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस में कैन और मे के वीडियो में आपको बताया था कि माइट का जो यूज होता है वो मे का जो यूज होता है वो माइट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा। जहां पे आप मे का यूज करते हैं वहां पे आप माइट का यूज करेंगे पास्ट में, प्रेजेंट में आप मे का यूज करते हैं और पास्ट में आप माइट का यूज करते हैं। जैसे कि ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, मतलब वो पूछ रहा है, उसने पूछा कि अगर वो कम आ सके, अंदर आ सके, मतलब इसमें वो पहले की बात, पास्ट की बात हो रही है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, इसमें मे का यूज करा तो मे आई कम इन सर, और इसमें क्या आएगा, जैसे माइट आई कम इन सर, माइट आई केम, मतलब माइट आई केम मीन्स मैं अंदर आ सकता, मतलब वो वहां पे पास्ट टेंस का यूज किया है आपने। जैसे शी सेड दैट इट माइट रेन इट दैट डे, शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, वो कह रही थी कि शायद उस दिन बारिश हुई थी, हो सकती थी, शायद उस दिन बारिश हो सकती थी, हो सकती थी, तो उसमें आपका क्या आएगा, आपका माइट का यूज करेंगे। जी हाँ, मे और माइट का जो यूज होता है वो आपके परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। जी हाँ, कहाँ किया जाता है? आपका परफेक्ट टेंस में। जैसे ही मे हैव बीन बाउंडेड, ही मे हैव बीन बाउंडेड, मतलब कि वी डोंट नो, भी हम नहीं जानते ये चीज में, पर एप्स है, प्रोबेबिलिटी है, क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी है। में परफेक्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता, ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे ही माइट हैव बीन बाउंडेड, अब ही माइट हैव बीन बाउंडेड, ही मे हैव बीन बाउंडेड, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ही मे हैव बीन बाउंडेड में क्या होगा यूज, इसमें आपने डू नॉट, आपको नहीं पता, मतलब दूर, आप नहीं जानते, इसमें सिर्फ आप ये आपका परहैप्स है कि इसमें वो हो सकता है वो इंजर्ड हुआ है, पॉसिबिलिटीज है, उस दिन ही पॉसिबिलिटीज है। और ही माइट हैव बीन बाउंडेड, इसका मतलब हुआ कि ये पॉसिबिलिटीज थी पास्ट में पॉसिबिलिटीज थी कि, बट ही वॉज नॉट, लेकिन हो सकता था कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, इसमें हमें कन्फर्म होता है कि वो इंजर, इसको इंजरी नहीं हुई, मतलब हो सकती थी लेकिन। जैसे माइट जैसे हो जाएगा मे बी, जैसे मे बी और माइट, जैसे मे बी में ही होता है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन माइट में क्या होता है कि ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, समझ में आया माइट का, मतलब ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे इसका अर्थ है कि हाँ, जैसे अगर उसका, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि इसको चोट लग सकती थी, बहुत अच्छा हुआ इसको चोट नहीं लगी, तो हो जाएगा ही माइट हैव बीन बाउंडेड, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको चोट लग सकती थी, चोट नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये होता है। तो आपको परफेक्ट टेंस और मे का यूज हमेशा या फिर प्रेजेंट में यूज करना चाहिए किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए, पॉसिबिलिटीज होगी या प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन माइट का यूज कब करते हैं, जब आपकी वो चीज हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है, समझ में आया, मतलब जो चीज हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है, उसमें आप किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो आपका इस तरीके से माइट का यूज होता है। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।